सबसे पहले तो उस लड़की को पटाना सबसे आसान होता है जो लड़की आपको घूरती रहती है। दूसरी लड़की वो होती है जो हमेशा फ़ोन से चिपकी रहती है। तीसरी वो लड़की जिसके पीछे बहुत सारे लड़के पड़े होते हैं। नोटिस करने वाली बात यह है, अगर आपके ग्रुप में या आपके साथ पढ़ने वाली या आपके साथ काम करने वाली लड़की अचानक से गायब हो जाती है और नए लुक के साथ ग्रुप में वापस शामिल होती है, तो समझो उस लड़की को बॉयफ्रेंड की जरूरत है। वो लड़की जो हमेशा जीन्स टॉप पहनती थी, अभी अचानक से ट्रेडिशनल कपड़ों में नजर आएगी, या ट्रेडिशनल कपड़े पहनने वाली लड़की अचानक से मॉडर्न ड्रेस में नजर आएगी, या हो सकता है कि वो एकदम से अलग रंगों के कपड़ों में नजर आए, तो उसे बॉयफ्रेंड की जरूरत है। ये तो कॉमन सी बात है ना, लड़की ने अगर अपना मेकओवर किया है तो वो अपने लाइफ में कुछ अलग चाहती है, अपना पास्ट लाइफ से कुछ अलग। जो लड़कियां जिस्म दिखाने वाले कपड़े पहनती हैं, स्लीवलेस, टॉपलेस या फिर ऐसे टाइट कपड़े जिससे उनकी जिस्म की बनावट दिख जाए, ऐसे लड़कियों को लाइफ में बॉयफ्रेंड चाहिए। इनकी खासियत ये होती है, इनके बाल कभी सीधे साधे नहीं होते, बालों पर इन्होंने जबरदस्त हेयर स्टाइल करवाया होता है, बहुत बार अलग अलग रंग भी करवाती है, बाल खुले होते हैं और ज़्यादातर ये आपको अपने बालों के साथ खेलती नजर आ जाएगी। देखो, लड़कियां खुद आकर लड़कों को नहीं बोल पाती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सो ये कुछ अलग करती है, कुछ अलग इशारे होते हैं जो लड़कों को अपनी तरफ आकर्षित करे। और ये अच्छी लड़कियां होती है जो अपनी फीलिंग बताती है। इन्होंने अपने कलाई पर सब कुछ पहना होगा, घड़ी, बैंड, चूड़ी और साथ ही सेफ्टी पिन भी हो सकता है। चेहरे पर जरूरत से ज्यादा मेकअप और कानों में लटकती हुई इयररिंग्स इनकी सबसे बड़ी पहचान है। ये पैर में सैंडल, हील्स या ऐसे जूते पहनती है जिससे इनका पैर पूरी तरह से नजर आए। इनकी अदाएं भी बदल जाती है, ये सामने से लड़कों को इनवाइट कर रही होती है, जरूरत से ज्यादा खुद को खुश दिखाती है। ज्यादातर ये लड़की अकेली मिल जाएगी कि कोई लड़का इनसे आकर डायरेक्टली बात कर पाए।